खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया। दरअसल मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन अगले 3 दिन से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और इस बीच तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में इस बीच हल्की बारिश की संभावना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 मई की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें, 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें, 6 तारीख तक जो है, तो हाई रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है।